हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप कैसे हो आप सब। तो इस वक्त दोस्तों मैं आ चुका हूँ सुबेदारगंज स्टेशन पर। पहले दोस्तों प्रयागराज से चलाई जाती थी उधमपुर एक्सप्रेस, जिसे दोस्तों डाइवर्ट करके यहाँ से सुबेदारगंज स्टेशन से कर दिया गया है। और अभी आप ये जो सीन देख रहे हैं, ये सुबेदारगंज स्टेशन का वेटिंग रूम है। यहाँ पर आप अपनी ट्रेनों का इंतजार कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके का है। साइड में दोस्तों आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग टिकट बुकिंग करा सकते हैं। कुछ इस तरीके का दोस्तों अंदर का नजारा है। तो इस समय दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं सुबेदारगंज। यहां से हम लोग उधमपुर एक्सप्रेस को पकड़ने वाले हैं, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली है अभी कुछ ही देर में। तो दोस्तों पहले प्रयागराज से चलाई जाती थी, अभी एक महीने से दोस्तों इसको डाइवर्ट कर दिया गया है सुबेदारगंज से। और यहाँ पर दो प्लेटफॉर्म दोस्तों बढ़ाए जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है हमारा सुबेदारगंज। ये प्रयागराज से दोस्तों मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको पड़ेगा। ये जो अभी आप दोस्तों इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव देख रहे हैं, यही हमारे उधमपुर एक्सप्रेस को अभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लेकर आएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का है हमारा लोकोमोटिव, जो कि इसे यहाँ पर अभी 1 घंटे पहले आ जाना चाहिए था, यहाँ पर ये 1 घंटे बाद आ रहा है। तो हमें लगता है कि दोस्तों हमारी ट्रेन भी दोस्तों 1 घंटे लेट ही जाएगी। और ये प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर सीढ़ियाँ भी मिल जाएंगी, इसको दोस्तों काफ़ी मेंटेन यहाँ पर किया गया है। अगर आप यहाँ से लुधियाना या उधमपुर जाना चाहते हैं तो। और कुछ इस तरीके का है दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 4। और फाइनली दोस्तों हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगने वाली है। आप यहां पर देख सकते हैं कि डीजल इंजन इसको लेकर आ रहा है, अभी इलेक्ट्रिक इंजन गया था दोस्तों, जो कि आगे लग चुका है। और ये बैक साइड से खींचते हुए डीजल इंजन आप लोग देख सकते हैं, जनरल बोगी यहां पर। अभी दोस्तों सभी दरवाजे बंद है, खड़ी होने पर इसको खोल दिया जाएगा सभी दरवाजों को। आप यहाँ पर ताला भी देख सकते हैं, ताला बकायदा यहाँ पर लगा दिया गया है। कुछ इस तरीके का है दोस्तों सुबेदारगंज एक्सप्रेस, जो कि उधमपुर तक जाती है। दोस्तों इसमें 2-3 जनरल बोगियाँ लगाई जाती थी, अभी फिलहाल इसमें एक ही जनरल बोगी लगाई गई है। यहाँ पर 2 बोगियों को दोस्तों निकाल दिया गया है, पता नहीं क्यों। आप देख सकते हैं ये एसी बोगी है और इसके आगे एक ही जनरल बोगी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का है सुबेदारगंज स्टेशन, तो काफी अच्छा दोस्तों इसको डेवलप किया जा रहा है, कई सारे प्लेटफार्मों को यहाँ पर बनाया जा रहा है।